पिछोर में 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विशाल पथ संचलन को लेकर छत्रसाल स्टेडियम में चल रही भव्य तैयारियां। आपको बता दें कि पिछोर में 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विशाल पथ संचलन नगर में निकाला जाना है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष तैयारियां चल रही है। छत्रसाल स्टेडियम का सौंदर्यकरण और गणवेश वितरण और नगर के साथ सज्जा नगर में पथ संचलन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा सभी हिंदू परिवारों को घर बैठे ही गणवेश उपलब्ध कराई गई है और दुकानदार भाइयों को भी उनकी दुकानों पर जाकर गणवेश दी गई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवकों द्वारा विशाल पद संचलन की तैयारियां कई दिनों से निरंतर चल रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक आशीष वर्मा द्वारा बताया गया कि 1925 में संघ की स्थापना हुई थी, उसको लेकर शताब्दी वर्ष इस बार भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसको लेकर नगर में 5000 स्वयं सेवक पद संचलन शामिल होंगे। संघ द्वारा जो पद संचलन 15 तारीख को यहाँ निकलना है, क्या कुछ तैयारियां हैं? 15 तारीख को निकलने वाले पथ संचलन की हमारी व्यापक तैयारियां हैं। इस तैयारी में हमने लगभग 5000 स्वयंसेवकों का इस संचलन में लाने का लक्ष्य रखा था और उसके साथ साथ नगर की पूरी साज सज्जा, गणवेश वितरण तथा इस छत्रसाल स्टेडियम जहां ये कार्यक्रम होना है, प्रारंभ होगा जहां से ये कार्यक्रम, वहां की साज सज्जा और विशेष तैयारी हम सब स्वयंसेवकों के द्वारा की जा रही है। अच्छा, लगभग कितनी संख्या इस बार पथ संचलन में शामिल होगी? संघ ने इस बार बड़ा लक्ष्य लेकर के काम किया, क्योंकि संघ का शताब्दी वर्ष आने वाला है। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी, वो शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारा 5000 स्वयंसेवकों का ये पथ संचलन निकाले जाने का पूरा अनुमान है और पूरी हम सबकी तैयारी है। धन्यवाद।